लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर धनबाद के विभिन्न घाटों में साफ सफाई और सजाने का काम अंतिम दौर पर चल रहा है। श्रद्धालु को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए कमेटी कई दिनों से लगी हुई है। मटकुरिया विकास नगर छठ तालाब में हजारों श्रद्धालु इस बार छठ मनाने आने की उम्मीद है, जिसको लेकर कमेटी तैयारियों में जुट गई है। कोरोना काल को देखते हुए कमेटी छठ व्रतियों को मास्क, सैनिटाइजर सहित एम्बुलेंस की सुविधा रखी है। मटकुरिया छठ तालाब सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। यहां पर हजारों श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने पहुंचेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम घाटों पर किया गया है और अभी से ही सुरक्षा बल घाटों पर तैनात होते दिख रहे हैं। छठ को लेकर कौन सा तालाब है ये? सर्वप्रथम तो ये विकास नगर छठ तालाब है और इसमें तैयारी जो हर साल होते रहता है, इससे सब तैयारी है। इस बार मूर्ति का आयोजन नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रोग्राम का आयोजन किया गया कोरोना को देखते हुए। सरकार का गाइडलाइन आया है कुछ? हाँ, गाइडलाइन आया है, उसको गाइड का पालन करते हुए कोई भी ऑस्ट्रेलिया ये सब लगाने का हम लोग कमेटी के द्वारा मनाही कर दिया। घाट की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है? लगभग पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? श्रद्धालु के लिए सैनिटाइजर मास्क जो होता है, जो कोरोना काल को देखते हुए है, फिर दूध का है, फल का जो है, सबका व्यवस्था किया गया है। स्वास्थ्य एम्बुलेंस की व्यवस्था? एम्बुलेंस और मेडिकल का सुविधा किया गया है।